नमस्कार। हम अब कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं। अकेला हमारा शहर इंदौर ही नहीं, बल्कि पूरा देश हम देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे इस दूसरी लहर की चपेट में आता जा रहा है। ऐसा लगता है कि कई बार वो जो स्थितियां जिनसे हम साल भर बाद बाहर निकले हैं, कहीं दोबारा खड़ी ना हो जाएं। और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने दायित्वों को पहचान कर, अपने कर्तव्यों को पहचान कर, हमारे जो सिटीजन ड्यूटीज हैं, जो नागरिक कर्तव्य हैं, उनका पूरा निर्वहन करें। SMS या सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की चर्चा तो बहुत हुई, पर आज चर्चा उससे आगे की है। हमारे पास इस चुनौती के रूप में जो कोरोना खड़ा हो रहा है, इस चुनौती से लड़ने का जो सबसे कारगर हथियार इस समय हमारे पास है, वह वैक्सीन है। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि वो लोग जो कि पात्रता अब रखते भी जा रहे हैं वैक्सीन लगाने की, वो वैक्सीन लगाने के लिए जिस मात्रा में, जिस तेजी और जिस उत्साह के साथ आगे आना चाहिए, उतनी तेजी और उत्साह के साथ आगे नहीं आ रहे। सरकार ने अब 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन की पात्रता कर दी है, और आगे चलकर मुझे लगता है धीरे 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 करके ये रिलैक्सेशन और बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या वैक्सीन की पात्रता रखेगी। लेकिन अभी भी आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो लोग वैक्सीन की पात्रता रखते हैं, वे भी वैक्सीन आकर नहीं लगा रहे हैं। कुछ शंकाएं हैं, कुछ कुशंकाएं हैं, कुछ अनजाने भय हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वैक्सीन जो है, वो जितना इतने समय में डेटा इकट्ठा किया जा सकता था, उस सारे डेटा इकट्ठा करने के बाद उसकी सुरक्षा को नाप कर, उसकी सुरक्षा को माप कर ही बाहर लाई गई है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया एक जटिल रहित सरल प्रक्रिया है, और यह पूर्णतः सुरक्षित है। हमने जितनी भी कहानियां सुनी होंगी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की, लगभग 100% केसेस में यह पाया गया है कि कोई बड़ा नुकसान वैक्सीन लेने से नहीं होता। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स तो दर्द की दवाइयों के भी होते हैं, बुखार की गोलियों के भी होते हैं। दिन दो दिन रहने वाले साइड इफेक्ट्स अगर हमको इस कोरोना की महामारी से मुक्त करा सकते हैं, तो इस वैक्सीन का तो खुले दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। परंतु फिर भी मैं फिर दोहरा रहा हूं, यह देखने में आ रहा है कि इस वैक्सीनेशन की स्वीकार्यता जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि यह सरल सुरक्षित वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को हमने बढ़ चढ़कर अपनाना चाहिए। ना केवल हम अगर पात्रता रखते हैं तो हमने खुद वैक्सीनेट होना चाहिए, बल्कि हमारे आसपास जितने लोग हैं जो वैक्सीन की पात्रता रखते हैं, उनके पास जाकर उन्हें आश्वस्त कर एक जन आंदोलन की तरह इस वैक्सीनेशन को प्रोपोगेट करने का, इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अपनाने का काम आपने और हमने सभी ने मिलकर करना होगा। कोरोना वॉरियर्स की संख्या कोरोना वॉरियर्स की चर्चा पिछले एक साल में बहुत तेजी से हुई है। मैं कहता हूं कि आप शायद अगली चर्चा जो है वह वैक्सीन मित्रों की होनी चाहिए, ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई, ऐसे लोग जिन्होंने कि वैक्सीन जो लगवा सकते थे उनके लिए सुविधाएं भी पैदा करी, उनको प्रोत्साहित करने का काम भी करा, उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक लेकर भी गए और वैक्सीनेशन उनका कराया भी। हमने अगर ये सब ने ये मिलकर इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में अपना सहयोग दिया, तो वो निश्चित मानिए हम बहुत कारगर हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे इस महामारी से लड़ने के लिए।